मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं बॉटनी का 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेके आ चुका हूँ, जो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ छत्तीसगढ़ व्यापम में जो विज्ञान के लिए असिस्टेंट्स टीचर्स की जो पोस्ट आई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, कॉलम वन एंड कॉलम टू में जो है उसको सही मिलाना है, सही सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर वन का डी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। तो हम यहाँ फोर्थ का सी देखेंगे तो डीएनए पैकेज का आरएनए न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड का देखेंगे तो बी आंसर आएगा, तो जो जेनेटिक कोड से वो नीरेनबर्ग खुराना व मेथाइज का है। इसके बाद सेकेंड का डी आता है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कोडिंग अनुक्रम, और एक्जोन्स का मतलब होता है एक्जोन का फर्स्ट का डी है तो इनिशिएशन या कोडिंग अनुक्रम। सेकेंड का ए है फ्रेंड्स तो इलेक्ट्रॉन का होता है नॉन कोडिंग अनुक्रम, एक्जोन का डी, इलेक्ट्रॉन का ए और थर्ड का बी एंड फोर्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, इसके बाद उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको देख के इसके बाद इसका आंसर है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हैं, मतलब चारों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बीजांड में पराग नलिका में प्रवेश पर तंतु रूप उपकरण क्या करता है। तो इसका आंसर है पराग नलिका को सहायक कोशिका से अंड में जाने की दिशा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागी किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के भीतर एकलिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है, तो स्वयुग्मन को किसी सजात पुष्पी परागकण को नहीं। राइबोसोम के बारे में क्या सही है, तो इसका आंसर है प्राकेंद्रीय राइबोसोम 80S होता है, जहाँ एस अवसाधन गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, इसका डी राइबोसोम्स के बारे में सही आंसर। नेक्स्ट है, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया, तो ये पृथक्करण प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजीर के साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद रहती हैं, तो एकिन कहा जाता है। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है, तो यह युगली या विवेलेंट्स कहा जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रभावी जीन द्वारा होता है, यदि सी बराबर सामान्य व स्मॉल सी बराबर सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो शिशु के दोनों पैतृक और सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे नहीं हो सकता है। इसका आंसर है पैतृक का जीनोटाइप सी स्मॉल सी व कैपिटल सी व सी हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चंस, म्यू क्लियोमोस क्रोमेटिन की संरचना इकाई के निम्न चित्र ए बी सी द्वारा प्रदर्शित अवयवी भागों को पहचानिए, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, बीज सुषुप्ता या डॉर्मेंसी किसके कारण होती है, तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम एक और कॉलम दो को मिलाना है, इसका जो राइट आंसर है वो है भैया फ्रेंड्स ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वसा संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो यह चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या SER। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है विषम युग्मजी जीव में सम युग्मजी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका बीज द्वारा पुनरुत्पादन नहीं होता है, तो यह आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का उत्पादन करने के लिए हरी पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज हैं, तो इसका आंसर है मोरल प्लस ट्रफल। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर है ए सी
डी अर्थात वर्णांता संलग्न और रंजकहीनता, सॉरी हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण विधि का वर्णन करती है, जिसका आंसर है टिड्डे में X07 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, टैक्सोनॉमी किसमें संबंधित विज्ञान है, तो इसका आंसर है सभी जीव वस्तुओं के पहचान नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित होती है टैक्सोनॉमी। किंगडम कवक के लिए नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है सभी आंसर सही हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वंश गति क्रिक द्वारा के आणविक आधार से सेंट्रल डोगमा की पूर्ण कीजिए, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए रिसेप्शंस, बी ट्रांसक्रिप्शंस, सी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेक्राइड्स होता है, आंसर है काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए बी ओ तंत्र में अज्ञात रक्त समूह वाला व्यक्ति दुर्घटना में रक्त की कमी से पीड़ित तथा रक्त स्थानांतरण करना आवश्यक है, उसके एक मित्र के पास रक्त का प्रकार का वैध सर्टिफिकेट है, तो वह बिना देर के रक्त देना चाहता है, दाता मिश्र के रक्त समूह का प्रकार क्या होना चाहिए। दाता मित्र का जो रक्त समूह होता है वो अगर ओ टाइप है तो उसका रक्त दे सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है। चक्रीय फास्फो रेलिसलीकरण किससे प्राप्त ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 27, जब नम ब्रेड को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो वह गीली व काली हो जाती है, क्योंकि वायु में बीजाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिनीमाटा रोग किसके संदूषण के कारण होता है, तो यह HG के संदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सन लविंग प्लांट्स आर अर्थात सन लविंग पौधे हैं, तो यह होते हैं हेलियो फाइट्स। तो फ्रेंड्स हमारा बॉटनी का क्वेश्चन से ही समाप्त होता है, और जूलॉजी का क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।